माय नेम इज चंदन एंड वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है और ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिए। ये नदी तीन राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस नदी का उद्गम जनपावा की पहाड़ियों से होता है। जनपावा विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है और जनपावा हिल्स मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये नदी यमुना नदी में जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इस नदी की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। और अब देख लेते हैं इस नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में, जो कि हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इसके दाहिने तरफ से यानी राइट साइड से जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है पार्वती, काली, सिंधी और सिप्रा, और बाएं साइड से है बनास और मेज। और अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम किस नदी के किनारे है? इस प्रश्न का उत्तर शायद हमने आपको नहीं बताया है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। और चंबल नदी से एक और फैक्ट याद रखिए, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं, वो इसी नदी का एक भाग है जहाँ की घड़ियाल को प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा शहर किस नदी के किनारे है? कोटा एक राजस्थान का इम्पोर्टेंट शहर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी किस पहाड़ी से निकलती है? और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से चंबल नदी नहीं बहती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, आप जान पाएंगे। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी के किनारे नहीं बनाया गया है? हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि चंबल नदी किस राज्य में यमुना नदी से जाकर मिल जाती है? और यहाँ पे ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का PDF लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।